हम सभी के घर पे अचार बना के सालों साल रखा जाता है और उसे हम खाने के साथ एज अ साइड डिश सर्व करते हैं, जिससे खाने का जायका बढ़ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में खटाई का बहुत ज़्यादा चलन है दोस्तों, जिसे अरहर यानी कि तुअर दाल में डाल के खाया जाता है। इससे दाल का जो टेस्ट एकदम बदल जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज यही रेसिपी मेरी मम्मी के थ्रू मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच के जितना हल्दी, 1 बड़े चम्मच के जितना हींग और नमक स्वाद अनुसार लेना है। तो बहुत डिफरेंट रेसिपी है, अगर आप इस तरीके से बना के खटाई रखेंगे ना, तो अक्सर जैसे कढ़ी वगैरह हम बनाते हैं, अगर दही खट्टी नहीं होती है तो ये खटाई आप खटास के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट बाहर जो अमचूर पाउडर आता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे एक भगोने में मैंने करीबन 1 लीटर के जितना ये पानी ले लिया है और इसमें ये सारे मसाले नमक डाल दिया। अभी आप पानी की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल पानी एकदम पतला जैसा होता है ना वैसा है। इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि ये अभी अपनी क्वांटिटी का मतलब जितना है एकदम सूख के 1 कप के जितना, 1 चाय वाले कप के जितना हो जाना चाहिए, तब उस टाइम पे ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से हल्दी को पकाया जाता है, मतलब नमक और हींग के साथ। अभी आप पानी देख सकते हो बिल्कुल पतला आपको दिख रहा है। इसे आपको एकदम हाई फ्लेम पे भी आप कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये जल भी सकता है। तो 20 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकाने के बाद हमारा घोल ये इस तरीके का हो गया है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए लेवल कहाँ से मैंने शुरू किया था, सूखने के बाद ये 1 कप के जितना हो गया है। एक कटोरी में मैं थोड़ा सा और हींग ले रही हूँ, करीबन 1 टीस्पून के जितना होगा, 1 छोटा चम्मच के जितना। हींग ऑलरेडी हम पानी में पका चुके हैं तो इसलिए मैंने कम लिया है, और साथ ही में यहाँ पे आधा कटोरी के जितना हमने उसमें गन्ने का सिरका डाल दिया। ये खटाई आती है दोस्तों, इसे आम कड़ी भी बोलते हैं। जो आम होता है ना, उसे जब आम का सीज़न चल रहा हो, कच्चे आम को बीच से काट के उसे सुखा लिया जाता है, तो इसका इस तरीके से छिलका हटा देना है। तो ये सूखे वाले आम यानी कि खटाई 2 किलो के जितना ये बाज़ार से हम लोग लेके आए थे, इसका इस तरीके से गुठली में से ये जो छिलका जैसा निकल रहा है ना, इसे हटा देंगे। नहीं तो जैसे दाल वगैरह या फिर कढ़ी में आप डालते हो ना, तो ये मुंह में आता है खाना पकने के बाद, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से सारी की सारी कटाई हम लोगों ने साफ़ कर ली। खटाई एकदम सूखी होनी चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर 250 ग्राम के जितना धनिया पाउडर, नमक 2 चम्मच के जितना, और साथ में हल्दी भी 2 चम्मच के जितना, 2 टेबल स्पून ईच दोनों ही चीज़ें। बाकी धनिया पाउडर हमने 250 ग्राम के जितना लिया है। इसे एक बड़े से आप भगोने में या फिर जो भी आपके पास बड़ा बर्तन हो उसमें डाल दें, साफ़ हो, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए। ये दोस्तों सिरका है जिसे हमने हींग में डाल के 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ये डाल देंगे। और ये वो घोल है हल्दी नमक और हींग वाला गाढ़ा सा जो हमने बना के तैयार किया था, 1 कप के जितना, मतलब सूखने के बाद जितना हो गया था पूरा का पूरा मैंने डाल दिया। बिल्कुल अलग ये रेसिपी है, इसमें धनिया हम मतलब जो भी मसाले यूज़ करते हैं ना नॉर्मली, जैसे अचार हम बनाते हैं तो खड़े मसाले थोड़ा सा भून के रोस्ट करके उसको तब पीसते हैं, बट इसमें हम सारे मसाले कच्चे यूज़ करेंगे, क्योंकि खटाई है दाल में जाती है तो अचारी फ्लेवर आएगा, इसलिए हम इसमें नहीं डालेंगे। हम अचार नहीं बना रहे, हम खटाई तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने मम्मी ने सरसों का तेल डाले और साथ ही में थोड़ा सा और सिरका डाला है अपने अंदाजे से। जो अचार और सिरका है, अगर बड़े लोगों की बात करें तो सब उनका अंदाजे वाला होता है, लेकिन जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताया, अगर आप उस तरीके से बनाओगे तो आपकी खटाई बन जाएगी। मैं सारे इन्ग्रीडियंट्स का जो मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, अगर आपको इस तरीके से वीडियो में देखने में दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। सारे मसाले को मेरी मम्मी ने अच्छे से हाथ से मिक्स कर दिया। अब एक बार में पूरी की पूरी खटाई नहीं आएगी, 2 किलो है तो थोड़ा मसाला अलग निकाल लिया, एक बार में आधी खटाई डालेंगी, फिर उसके बाद जब उसको अच्छे से मिला देंगे तो फिर बाकी की डाल के उसमें मसाला डाल के उसे भी अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगी। इसे इस तरीके से मसालों के साथ मिक्स करने के बाद आपको 1 दिन के लिए धूप में रख देना है या फिर 4 घंटे की एकदम कड़क धूप में रखना है, और आपकी खटाई तैयार है। आप इसको एक जार में भर के रख सकते हैं। खटाई में आपको बाद में कोई तेल वगैरह डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जैसे पहले भी मैंने बताया, ये अचार नहीं है दोस्तों, ये खटाई है जो दाल और कढ़ी वगैरह में जाती है। इसे आप 1 दिन के लिए धूप में रख दें, बारिश वगैरह वाले टाइम पर खटाई ना बनाएं, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। धूप अच्छी होनी चाहिए।
तो ये हमारी खटाई बिल्कुल रेडी है, आप इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आप सभी को यूज़फुल लगी हो, इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो छोटा सा घंटी जैसा साइन होगा उसे भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड कीप कुकिंग।